फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन iQOO 35G जो कि इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार हो चुका है। मैं इसके स्पेक्स वाइज बात करने वाला हूं कि यह स्मार्टफोन कैसा होने वाला है और साथ में यह भी बताऊंगा कि इसकी प्राइस क्या होने वाला है और यह भी बात करने वाला हूं कि यह इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च हो जाएगा। तो सबसे पहले डिजाइन से बात करते हैं। डिजाइन आपको कुछ इस तरह का देखने की मिल जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। पीछे के साइड में आप जो कैमरा हाउसिंग देख रहे हैं उसके पट्टी पर आपको स्ट्रिप लाइट देखने को मिल जाएगा। वहीं इसके आगे के साइड में फ्लैट डिस्प्ले के साथ पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि बेजल्स और चीन बहुत ही कम दिखाई देंगे। वहीं इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक पैनल में आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, जो फ्रेम है वो मेटेलिक देखने को मिल जाएगा। आगे के साइड में गोरिल्ला ग्लास बिक्स्टर 2 का प्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर लुक वाइज बात करें तो iQOO 13 5G स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। आगे बात करते हैं पोर्ट्स और बटन की, तो आपको डुअल नैनो सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, स्टूडियो स्पीकर IR सेंसर देखने को मिल जाएगा और इसमें एक अच्छी बात यह है कि आपको अल्ट्रासोनिक का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। 3.5mm वाला जैक होल देखने को नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं डिस्प्ले वाइज, तो डिस्प्ले आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है क्योंकि इसमें BOE का पैनल लगा हुआ है। वहीं इसके साइज की बात करें तो 6.78 इंच के साथ 2K AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है एंड 144 हर्ज रिफ्रेश रेट, 446 PPI एंड 6000 nits का पीक ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाता है। कुल मिला जुला कर डिस्प्ले वाइज बात करें तो इस फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन में डिस्प्ले अच्छा देखने को मिल जाएगा। आगे परफॉर्मेंस यानी गेमिंग की बात करें तो आप बहुत तगड़े लेवल पर गेमिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो चिपसेट लगा है स्नैपड्रैगन का 8E Lite जो कि 3nm फैब्रिकेशन पर मिलता है और इसके अंतटू स्कोर की बात करें तो आपको 3 मिलियन प्लस स्कोर देखने को मिल जाता है। कुल मिला जुला के परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो आप बहुत तगड़े लेवल पर गेमिंग BGMI COD वगैरह खेल सकते हैं और इसमें मल्टीटास्किंग वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। वहीं इसके रैम रोम टाइप की बात करें तो LPDDR5X एंड UFS 4.0 देखने को मिल जाता है। iQOO 13 5G स्मार्टफोन आउट द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ देखने को मिल जाता है। वहीं इसके अपडेट पॉलिसी की बात करें तो आपको 4 साल का मेजर अपडेट एंड 5 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाता है। आगे बात करते हैं इसकी बैटरी के, तो आपको 6100mAh की बैटरी एंड 100W का चार्जर देखने को मिल जाता है जो कि iQOO 12 में 120W का चार्जर देखने को मिलता है। इस बार थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है चार्जर को लेकर, लेकिन आपको बैटरी अच्छा खासा मिल जाता है 6100mAh की, लेकिन यह भी चार्जर आपको निराश नहीं करने वाला है। अब बात करते हैं इसके कैमरे की, तो आपको तीनों कैमरा जो है वो 50MP का देखने को मिल जाता है, लेकिन जो मेन कैमरा है उसमें आपको सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है IMX921 और जो कि दूसरा सेंसर 50MP का है वह है अल्ट्रा वाइड का और तीसरा सेंसर जो है 50MP का है, प्लस आपको 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है, प्लस इसमें आपको मेन कैमरा में OIS देखने को मिल जाता है। वहीं सेल्फी कैमरा की बात करें तो आपको 32MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। यानी कैमरा वाइज बात करें तो यह स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है क्योंकि इस फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन में जो कैमरा का सेंसर लगा है वो बहुत तगड़ा लेवल पर है, तो आप कैमरा वाइज बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। आगे बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की, तो आपको NFC ब्लूटूथ वर्जन 5.4 Wi-Fi 7 के साथ देखने को मिल जाता है। फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन की IP रेटिंग की बात करें तो आपको 68 रेटिंग देखने को मिल जाता है। लीक्स के अनुसार बताया जा रहा है कि आपको IP69 रेटिंग देखने को मिल सकता है। अगर IP रेटिंग 69 देखने को मिल जाता है तो यह स्मार्टफोन और ही तगड़ा होने वाला है। आगे बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो प्राइस क्या होने वाला है इस फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन की, तो इसकी प्राइस होने वाला है 50 से 55 हजार के बीच में। अब बात आती है कि यह इंडियन मार्केट में कब तक लॉन्च हो जाएगा। सबसे पहले तो यह चाइना में लॉन्च होगा जो कि यह 29 अक्टूबर को चाइना में लॉन्च हो जाएगा। लीक्स के अनुसार बताया जा रहा है कि iQOO 13 5G स्मार्टफोन 5 दिसंबर को लॉन्च हो जाएगा। ये रही पूरी जानकारी फ्लैगशिप किलर iQOO 13 5G स्मार्टफोन के बारे में। ऐसा रहा वीडियो अच्छा रहा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।